पेज नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फुल नाम लिखना अपना। उसके बाद जो सेक्शन है, सेक्शन ए में है, बी में, जो भी सेक्शन होगा आपने अपना यहाँ पे सेक्शन लिखना है। फिर ब्रांच नेम लिखना है, जिस ब्रांच में आप लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है। और हमारी ब्रांच का नाम जलालाबाद ब्रांच है, तो उसका नाम आपने यहाँ पे जलालाबाद लिखना है। डेट, जिस डेट को पेपर है वही डेट लिखनी है यहाँ पे। और ये 75 मार्क्स का पेपर है ये वाला। और जो टाइम इसके लिए गिवन होगा वो 2 आवर्स हैं। 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं लेना। अब आप पेज नंबर 2 पे मूव करेंगे। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स टू फाइंड हाउ दे आर डिफरेंट। यू कैन यूज़ वर्ड क्लाउड। आपने मिसिंग वर्ड को यहाँ पे लिखना और वर्ड क्लाउड को यूज़ करते हुए आपने लिखना है। यहाँ पे पिक्चर फ्रॉग की दी हुई है, यहाँ पे भी दी गई हुई है, तो आपने वर्ड क्लाउड को यूज़ करते इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, ये वर्ड्स होंगे और यहाँ इन्हीं ब्लैंक्स में इन वर्ड को यूज़ करते फिल करना है आपने। अब पेज नंबर 3 की तरफ मूव करें। पेज नंबर थ्री पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। नेम द 5 एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। पानी में रहने वाले कोई से 5 जानवरों के हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिखने, और इसके क्वेश्चन के मार्क्स से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर डू दे लिव। ये 3 एनिमल्स के हमें नाम पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने इनको देखते हुए बताना है कि ये एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। उन तीनों क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं। अब इसका बी पार्ट है, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे गिवन होंगे हमारे पास, आपने देखना है कि कौन सा वर्ड इस ट्रेन में नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहा आपने उसको सर्कल करना है, और इस क्वेश्चन का मार्क 1 है। और अब आप पेज नंबर 4 की तरफ मूव करें। ये उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी आपने सर्कल करना होगा जो ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। कि हमें खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोने चाहिए। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, विच एनिमल लिव्स इन वाटर। कौन से एनिमल पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स बिलो इन अप्रोप्रिएट सेक्शन। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, आपने इनके अप्रोप्रिएट सेक्शंस में इनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। नेम द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिखने, नेम लिखने सेंसेस के। डू ऑल फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। क्या सब फ्रूट्स के ढेर सारे सीड्स होते हैं। आपने इसका आंसर करना है इस क्वेश्चन का, और इसके मार्क्स हैं 2.5। राइट द नेम्स ऑफ 3 इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई। आपने उन 3 इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो उड़ सकते हैं, दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। कौन सी बोन किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड नर्व्स इन स्पाइन। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, व्हाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स। हमें मसल और जॉइंट्स क्यों ज़रूरत होते हैं। बेटा आपने ऐसा करना है कि इसको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और अगर आपके शीट्स के अंदर कोई भी पेज मिसिंग है, तो आप इस वीडियो को देख के वो शीट आप लोग अटैच कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।